नागपुर पुलिस उपायुक्त परिमंडल दू के आदेश अनुसार गिट्टी कदान पुलिस थाना अंतर्गत कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू था। इसी दौरान गणेश नगर दाभा परिसर में पुलिस ने डाका डालने की फिराक में बैठे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों पर अन्य कई मामले भी दर्ज होने की बात सामने आई है। गिट्टी खदान पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त परिमंडल दू के आदेश अनुसार कॉम्बिंग ऑपरेशन का आयोजन किया गया था। इस दौरान गिट्टी खदान पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि गणेश नगर दाभा परिसर में कुछ लोगों द्वारा डकैती की योजना बनाई जा रही है। इसी जानकारी के मुताबिक डकैती की फिराक में बैठे 5 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा, जिनमें 29 वर्षीय पंकज राउतकर, 20 वर्षीय ऋतिक राणा, 20 वर्षीय एरिल लॉरेल, 19 वर्षीय अभिषेक मेश्राम और 16 वर्षीय करण नौकरिया शामिल है। आरोपियों से पुलिस ने एक चाकू, मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिल जब्त की है, जिसमें से 2 मोटरसाइकिल चोरी की थी और गिट्टी खदान थाने में 2 गाड़ी चोरी होने के मामले भी दर्ज है। दिनांक 10 फरवरी रोजी पुलिस थाने गिट्टी खदान से तपास पथक व कर्मचारी कॉम्बिंग ऑपरेशन राबवित असताना एक गोपनीय माहिती मिळाली की गणेश नगर दाभा परिसरात नंदाजी बुवा समिती देवस्थान मंदिरच्या नाल्याजवळ काही आरोपी दरोड्यासारख्या गंभीर गुन्हा एखादा करण्याच्या तयारीनं जमलेले आहे, झोपून बसलेले आहे। त्यावरून पोलिसांनी पंचासमक्ष त्या ठिकाणी जाऊन कारवाई केली असता 5 आरोपी पोलिसांनी ताब्यात घेतले। 1 आरोपी तिथून पळून गेला, त्याचा शोध घेत आहे। त्या आरोपींकडे 1 चाकू, इतर लाकडी दंडा, दरोड्याचे इतर साहित्य। इस मामले में एक आरोपी फरार है, उसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।